उज्जैन जिले के तमाम तहसीलों में इस समय शासकीय रोड पर लगे हुए हरे भरे पेड़ों को मेंटेनेंस और अवैध तरीके से काटने का कार्य किया जा रहा है। हाथों में नुकीले हथियार लेकर हरे भरे पेड़ों की लकड़ियों को काट कर मुंह मांगे दामों में बेचा जा रहा है और लकड़ी बिजली का व्यवसाय व्यापार किया जा रहा है। वहीं आरा मशीन पर क्षमता से ज़्यादा कटी हुई लकड़ियों का स्टॉक रखा गया और आरा मशीनों पर उसे अलग अलग शहरों में उज्जैन की लकड़ी कटी हुई जा रही है। हरे भरे पेड़ों को काट कर लकड़ी तस्करी का व्यापार तेजी के साथ फल फूल रहा है। वन विभाग के अधिकारी और शासकीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और वह सब कुछ देख कर भी अनजान बने हुए हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।